जय माता दी। मित्रों मित्रों, तुला राशि वाले जातकों के लिए अगस्त माह विशेष तौर पे आपका पूरा ध्यान अपने कार्य क्षेत्र पर रहेगा। कर्म स्थान के अंतर्गत आप अपने पिछले पुराने जो पेंडिंग वर्क भी होंगे उनको भी पूर्ण करते हुए नजर आएंगे और विशेषतः वहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका रहेगा काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय के अंतर्गत स्त्री पक्ष से लाभ भी रहेगा और कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर उनका सहयोग साथ हो सकता है। अगर आप मेल हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ पार्टनर आपकी पत्नी का भी सहयोग साथ आपके वहाँ पर भी वो भी मिलता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः इस समय में कहीं ना कहीं वाहन सुख, उच्च कोटि के वाहन सुख का भी योग आपको देखने को मिल सकता है, तो ये भी प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय के अंतर्गत आपके लिए लाभ और इच्छा पूर्ति विशेष तौर पे धनयोग काफ़ी प्रबल रहेंगे। आप जो चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो लाभ लेना चाहते हैं, या कोई एक बड़ी इच्छा पूर्ति का भी समय रहेगा। और इस समय में आप पूरे माह के अंतर्गत अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। विशेषतः कोई भी अगर शत्रु आता है, किसी भी तरीके का कंपटीटर आपके समक्ष आता है, तो आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, ये स्थिति रहेगी। या अगर आप किसी तरीके का जॉब वगैरह में इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए फेवरेबल टाइम रहेगा, अच्छा समय रहेगा। विशेषतः संतान निसंतान व्यक्ति के लिए संतान प्राप्ति का उत्तम समय है, तो संतान प्राप्ति के लिए संतान की बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आएगी और आप काफ़ी हार्ड वर्क अपने संतान को लेकर वो भी करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः अगर आप लंबे समय से ग्रेजुएशन कर रहे थे, नहीं कंप्लीट हो पा रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं इस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का भी समय रहेगा, या शिक्षा प्राप्ति के लिए भी, और एक कोई लंबी शिक्षा करना है, कुछ लंबा पढ़ना है, किसी विषय पर ज्ञान अर्जित करना है लंबे तरीके से, तो वो भी एक समय आपके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट में अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आप आगे बढ़िएगा। विशेष तौर पे ये माह वैसे भी धन और लाभ और इच्छा पूर्ति के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं, तो ये समय आपको वहाँ पर भी फायदा देते हुए नजर आएगा। विशेषतः ध्यान रखना है कि 18 अगस्त के बाद आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, चाहे उसके स्वास्थ्य में हानि हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि आपका झगड़ा हो रहा है, परेशानी हो रही है, कलह की स्थिति बन रही है, पार्टनरशिप के अंतर्गत भी ये आपको अपने व्यापार के अंतर्गत भी देखने को मिल सकती है। ये समय अच्छा रहेगा कि अगर आप व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यापार के लिए आप कहीं बाहर जाए, कहीं दूर देश प्रदेश विदेश से आप व्यापार करें, तो फिर आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। विशेषतः 18 अगस्त के बाद थोड़ा सा स्थिति में बदलाव इसी विषय को लेकर, आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर इन्हीं को लेकर थोड़ा खराब रहेगा, अन्यथा ये माह आपके लिए लाभ के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए इस माह के अंतर्गत देखने को आपको मिलेंगे। विशेषतः 18 अगस्त के बाद अपनी ऊर्जा का गलत उपयोग करने से बचना है, विशेषतः कुछ भाग धन का, क्योंकि इस समय में 18 अगस्त के बाद से आपका संचित धन कहीं ना कहीं गलत जगहों पर जा सकता है, नष्ट हो सकता है, व्यय हो सकता है, या एक्सपेंस आपका खर्चा आपका विशेष तौर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। विशेषतः इस समय में दान की वृद्धि कर दीजिएगा, दान बढ़ा दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिएगा, गुरु के आश्रम में करना है, या किसी तरीके के जो आश्रम बने हुए हैं, एनजीओ बने हुए हैं, वहाँ पर सेवा दीजिए, तो ये करने से आपको विशेष लाभ होगा। अन्यथा आपका पैसा मेडिकल में, या फिर आपका कोर्ट केस वगैरह इत्यादि में, इस तरीके की चीज़ों पर, या फिर आप मतलब कहीं ना कहीं गलत जगहों पर धन खर्च होने की जाने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।